नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। बताया जा रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में सीएम योगी का आगमन होगा, साथ ही यूपी डे के मौके पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सीएम जाएंगे, जिसके बाद आज शाम 6 बजे सीएम प्रगति मैदान स्थित ट्रेड फेयर जाएंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सपा की सामाजिक न्याय यात्रा आज रवाना होगी, जिसे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शाम 5 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय से लोकतंत्र बचाओ एवं संविधान बचाओ जागरूकता यात्रा रवाना होगी आज। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जबरदस्त जीत के बाद संगम नगरी प्रयागराज के क्रिकेट प्रेमी खुशी से झूम उठे। बताया जा रहा है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच में टीम इंडिया को मिली शानदार जीत से क्रिकेट प्रेमी थिरक उठे और उन्होंने झूमते नाचते हुए जीत का जश्न मनाया है। वहीं क्रिकेट प्रेमियों ने इस मौके पर पटाखे छोड़े, आतिशबाजी की और गले मिलकर एक दूसरे को इस जीत की मुबारकबाद दी है। जी, आज मुझे मैच देखकर बहुत ही खुशी हुई कि हमारी इंडिया सेमीफाइनल जीत चुकी है। अब मेरी बस एक ये तमन्ना है कि हम वर्ल्ड कप की भी चमचमाती हुई ट्रॉफी जीतें और मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड फाइनल में जाकर अपना परचम लहराए। आज जिस तरह कोहली, हमारे प्यारे स्टार प्लेयर कोहली ने शतक मारी और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमें ये देखकर बहुत ही खुशी हुई। जी, आज हमने पटाखे छुड़ाकर और नाच गाया, तो हमें आज बहुत खुशी है कि हमारी इंडिया सेमीफाइनल जीत चुकी है। आज जिस तरीके से इंडिया जीती, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, इंडिया ने शुरुआत से अपना जैसा प्रदर्शन दिखाया है, आज भी उसी तरह उनका प्रदर्शन था और बहुत अच्छा प्रदर्शन था। इसी के कारण आगे जैसे कि उनका फाइनल भी आएगा और हमें उम्मीद है कि फाइनल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए विश्व में अपना परचम लहराएगी। और जैसे दीपावली है, उस तरीके हम आज भी दीपावली मनाएंगे और इंडिया जीतने पर, फाइनल जीतने पे भी बहुत अच्छे से दीपावली मनाएंगे। नाम बताइए। शशांक साहू। आज का मैच देख के क्या कहेंगी आप? आज का मैच तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसे इंडिया ने और सारे मैचेस जीते हैं, मैं चाहती हूँ कि इस साल इंडिया फाइनल जीत कर अपना परचम लहराए। कैसा आपने लोग एंजॉय किया? मुझे बहुत अच्छा लगा, विराट जी ने अपना अच्छा खेला और सारे टीम इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपने यहाँ पे भी पटाखे उड़ाके छुड़ाए किस लिए? हाँ, मैंने भी सेलिब्रेट किया इसलिए क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुँच गई है, इसलिए। मेरा नाम अपूर्वा। गाजियाबाद पुलिस ने लोन माफिया लक्ष्य तमर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया है। बताया जा रहा है कि लक्ष्य तमर गाजियाबाद का सबसे बड़ा माफिया है, फिलहाल माफिया जेल में है और लक्ष्य पर करीब 35 मुकदमे कायम हैं और अब तक पुलिस उसकी 65 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। आज दिनांक 15 नवम्बर 2023 को थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लक्ष्य तनवर गैंग का पुराना आर्य नगर स्थित 2 करोड़ मूल्य का एक संपत्ति कुर्क किया गया। लक्ष्य तनवर के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 922/2021 जो गैंगस्टर धाराओं के अंतर्गत लिखा गया है, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। लक्ष्य तनवर के आपराधिक इतिहास में 35 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं और इसकी अभी तक 65 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। इसी तरह आगे कार्रवाई चलती रहेगी। तो खबर गाजियाबाद से है, बता दें जहां पर लोन माफिया की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। लक्ष्य तंवर उस माफिया का नाम है। बता दें कि कागज में बने मकानों पर करवा लेता था लोन माफिया की अब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बता दें कि लक्ष्य पर करीब 35 मुकदमे कायम है और अब तक पुलिस उसकी 65 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। अलीगढ़ के जिला कारागार में दिवाली के 5वें दिन भाई दूज के त्योहार को जेल प्रशासन ने बहनों और भाइयों के साथ मिलकर मनाया। जहां जेल में सैकड़ों बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका करने पहुंची, वहीं आगरा की एक बहन जेल में निरुद्ध अपने 6 भाइयों के माथे पर टीका करने पहुंची।
बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से की गई तैयारी पर बहनों ने खुशी जताते हुए कहा कि जेल में काफी शांति और सभ्यता के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाया गया, व्यवस्थाएं घर जैसी रखी गई हैं। वहीं अलीगढ़ जेलर केपी सिंह ने बताया कि एक एनजीओ द्वारा भाई दूज के त्यौहार को जेल में मनाने के लिए तैयारी में सहयोग किया। इस माध्यम से जेल में बहन भाइयों के इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। भैया जी, मुलाकात करने आई हूँ भैया जी से। भैया जी, आज त्योहार के दिन? हाँ। आज क्या त्योहार है? और भैया जो आज आपने किस तरह से मनाया? बहुत अच्छी तरीके से मनाया, जेल में तो बहुत अच्छी तरह से मनवाया लोगों ने। आपको भाई कब से मनवाया? 3 साल हो गए उसे। क्या? हाँ, हर साल आती हूँ। व्यवस्था कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छी है। हाँ, सब कुछ है यहाँ पर। मेरे भाई है यहाँ पे, 6 भाई है, उनकी भाई दौज के लिए आई हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ? आज बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पे भी। आप आज आपने क्या आके कराया जेल में इनका? तिलक किया है आज, मिठाई वगैरह खिलाई है, तिलक किया है उनका। मेरे भाई दौज है यहाँ। तो आपको कोई प्रशासन की तरफ से कोई? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत व्यवस्था बढ़िया है। रायबरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के दौरान घायल 4 बच्चों में से 2 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घायल बच्चों का इलाज KGMU में चल रहा था, जहां घायल बच्चों का शव ग्रामीणों ने सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और ग्रामीणों की मांग है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक के घर पर बुलडोजर से शमीदोष कर दिया जाए और परिजनों को तुरंत उचित मुआवजा मिले। बताया जा रहा है कि मामला सरेनी थाना इलाके के मलके गांव का है, जहां मुस्तफा नाम के पटाखा कारोबारी के परिजन बिना लाइसेंस का नवीनीकरण कराए हुए दिवाली के लिए पटाखा बना रहे थे, तभी उसमें विस्फोट हो गया और विस्फोट में 4 बच्चे घायल हुए थे, जिनमें से इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना ये हुई, बच्चे विद्यालय जा रहे थे और उनको रास्ते में पैसों का लालच दे करके और गोले का लालच दे करके बच्चों से काम कराया गया। क्या बनवाया जा रहा था? गोला। अच्छा, क्या हुआ? गोला बनाते हुए बमबारी हो गई, बच्चे झुलस गए। कितने बच्चे थे? बच्चे 4 थे, लेकिन 2 की कल मौत हो गई। अच्छा। रात में लखनऊ में फिल्म दृश्यम 2 को लेकर महिला की हत्या करने की साजिश रचने वाले सगे बहनोई को पुलिस ने 1 औरत और 2 अन्य बदमाशों के सहित गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सगे बहनोई ने ससुर की बची हुई प्रॉपर्टी हथियाने के लिए हत्या का साजिश रची थी और अपराधियों ने फर्जी नंबर प्लेट और मोबाइल को साजिश के तहत घटना के पहले दूसरे जिले में भेज कर पुलिस को उलझाने की कोशिश की गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त कर ब्लेड भी बरामद कर लिया है। 6 नवंबर को थाना पारा पर नीलम सैनी नाम की एक महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इसके बाद मोहनलालगंज में एक महिला घायल अवस्था में मिली, उसका गला कटा हुआ था, उसको तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और जब उसकी शिनाख्त की गई तो वही महिला थी जो कि गुमशुदगी जिसकी दर्ज हुई थी थाना पारा पर। इस संबंध में तत्काल थाना पारा पर 307 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और चूंकि महिला उस समय उसका गला कटा हुआ था तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उससे बहुत मुश्किल से बात की गई और लिखित कर उसने कुछ बताया कि उसकी एक सहेली थी जिसका नाम आसमा था, उसके साथ एक इनोवा गाड़ी से वो अपने घर से निकली थी, बुद्धेश्वर चौराहे तक गई थी जहाँ पर जूस पिया उसने और जूस पीने के बाद वो बेहोश हो गई, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तो एक टोटली ब्लाइंड केस था जिसमें कि कोई भी हम लोगों के पास क्लू नहीं था और चूंकि महिला बुद्धेश्वर तक ही गई, जिस महिला के साथ वो घर से गई उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, केवल आसमा नाम जानती थी और उस महिला का न तो इसके पास फ़ोन नंबर था, न कोई फ़ोटो था, कुछ भी नहीं था, उसके परिवार वाले भी उसको नहीं जानते थे। तो ये एक टफ टास्क था, लेकिन हमारी पूरी पश्चिमी जोन की टीम ने मिल करके एक बहुत ही डेयरिंग काम किया है और इस पूरी घटना को पिछले 9 दिन में हम लोग लगातार इसको मॉनिटर करते रहे और हर एक CC कैमरे को हम लोग खंगालते रहे। आप ये समझिए कि यहाँ से कितनी बार मोहनलालगंज तक जो है और विभिन्न मार्गों से
ये हम लोग सर्च किए कैमरों को, क्योंकि एक जगह से कहीं पर जो है हमें क्लू नहीं मिल रहा था। गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक अपनी पत्नी की हत्या करके उसके शव को कार की डिग्गी में डालकर अपने गांव पहुंच गया। आपको बता दें कि इनका विवाह 7 महीने पहले ही हुआ था और युवक गाजियाबाद में पत्नी की हत्या करने के बाद कार में डेड बॉडी डालकर अलीगढ़ जनपद गोंदा पहुंच गया। वहीं सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए ससुराल के लोग मृतका को परेशान कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है और मृतका के परिजनों की तहरीर पर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिनने जाके दहेज के ऊपर जिनने दहेज मांगते मुझ पर दहेज दे, मैं दहेज दिया, सब कुछ दिया। वहाँ के बाद जिनने लड़की से 50,000 मंगवाई, लड़के 50,000 में लड़की बेटा मोह पहला मैं कन से दे दूँ, तो जिनने तुरंत छोरी को मार तोड़ के और फांसी पे फांसी लगा दी। तो कहाँ पे से लेकर आया था बॉडी? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से लेकर अपने घर पे मट्टी डाल के और अपने थाने में चले गए। इनकी बेटी के साथ में ये हुआ था कि इन्होंने 7 महीने पहले शादी की थी। शादी के बाद कुछ लड़का गरीब घर का था और ये भी गरीब घर के थे, मगर इस लड़के ने कहते कुछ पैसे ले लिए, कुछ दहेज की मांग मांगी, तो इन्होंने पूरा मतलब खर्चा पूरा किया। उसके बाद में घर जाने से घर के बाद गाजियाबाद लड़की को लेके चला गया, तो वहाँ पर कुछ 10 दिन या 15 दिन मतलब बीतने के बाद में लड़की को मार छेड़ की, बेल्टों से मारा और मार के घायल करके और फिर उसकी छाती पर बैठ के उसको फांसी लगाई और फांसी लगा के और अपने दोस्त को लेके और अपनी गाड़ी लेके डेड बॉडी को लेके वो अपने घर पर आ गया। गाँव में गोदा स्टेशन के पास में बैरामपुर, वहाँ पर डेड बॉडी को डालकर और थाने में हाजिर हो गया। अलीगढ़ में सर्दियों के आने से पहले ही चोरों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जहां चोर लगातार बंद मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोतवाली इगलास के कस्बे में स्थित कृष्णा नगर और शास्त्री नगर में बंद पड़े मकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, जिसके बाद वारदात को अंजाम देने के बाद अज्ञात चोर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। यहाँ पर रात 3 दिन से कोई रह नहीं रहा है, सब गमी के कारण दूसरे घर पर पहुँच गए हैं मास्टर कॉलोनी में। तो यहाँ पर रात समथिंग 1 बजे के करीब चोरी हुई है, कुछ पैसे थे समथिंग 2900 रुपये और एक रिफाइंड का गत्ता, ये सब चोरी हुआ है इधर से। मैं शाम को जो है गांव को गया हूँ ताला लगा के 5:30 बजे और सुबह फिर यहाँ से फ़ोन गया है मोहल्ले वालों का कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है, ताला टूटा है। तो जब कितने रुपए का सामान चोरी हो गया? मेरा 40,000 रुपये कैश था और एक मंगलसूत्र और एक सोने की चैन। अच्छा, तो क्या लग रहा है किस तरीके से चोर जो अंदर घर में प्रवेश करे? उन्होंने मेन ताला तोड़ा है, कमरे का ताला तोड़ा है, फिर अलमारी का ताला तोड़ा है। ये शास्त्री नगर कॉलोनी है और ये यहाँ पे रात को चोरी हुई है। तो लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है? लगभग इनका 5-10,000 रुपये की चोरी हुई है साथ। अच्छा, कैसे चोरी हुई और ये लोग कहाँ थे? ये सब लोग ऐसा है, इनके यहाँ पर गमी हुई है, ये घर वाले जो हैं ये गमी हुई है इनके यहाँ पर, तो ये अपने दूसरे घर पर बैठ रहे हैं जो इनका परमानेंट घर है। अब यहाँ पे ताला लगा हुआ तो पीछे से दरवाजे वगैरह तोड़ा, क्या तोड़ा? हाँ, दरवाजे तोड़े हैं, हुक्का तोड़े हैं सब। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत बरौला पुलिस रेलवे लाइन के पास एक घायल अवस्था में युवक पड़ा मिला हुआ और परिजनों ने घायल को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी का काम करता था और किसी काम से दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली से अलीगढ़ आते समय बरौला पुलिस रेलवे लाइन पर ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, हमको पता चला था कि लैंड पड़ा हुआ है रेलवे ट्रेन से, ये बीच में पड़ा हुआ था, तो मालिक ने तला दिया, उसे उठाने गए तो ये गंभीर हाल में पड़ा हुआ था, तो उसे हमने उठा कर तुरंत टड्डी करा के मेडिकल ले गए। मेडिकल में ले जाने के बाद वहाँ पर वेंटिलेटर का जुगाड़ नहीं था तो हम प्राइवेट में ले गए, फिर वहाँ पर 9.5 विकेट दम तोड़ दिया। ट्रेन से गिर गया, ये नहीं पता सर, लेकिन ये सुबह से गायब था, जब हमको मिला है ये तो मान ले गए हॉस्पिटल में, तो उसकी टिकट एक बड़ी बंडल निकला था, दिल्ली का टिकट था सर।
दिल्ली से ही आ रहा था जी। क्या लगता है आपको, ट्रेन से करके खत्म? जब वो ट्रेन पे पड़ा हुआ तो ट्रेन से कट रहा हुआ सर। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।